अब खबर बस्तर से है, जहां पर 1 दिसंबर से प्रस्तावित उड़ान योजना डीजीसीए से अंतिम रूप से लाइसेंस न मिल पाने के कारण एक बार फिर से अटक गई है। हालांकि अलायंस एयर ने यहां से रायपुर और हैदराबाद उड़ान सेवा के लिए सभी जरूरी तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट में स्टेशन मैनेजर समेत अन्य स्टाफ की नियुक्ति भी कर दी गई है। वहीं बुकिंग काउंटर भी खोलने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल ATR 72 के उड़ान भरने में कितना वक्त लगेगा ये निश्चित नहीं है। उसमें तीन इंस्पेक्शन जरूरी होते हैं, एक ये जो ऑपरेटर होता है उसका इंस्पेक्शन जरूरी होता है, तो उनके इंस्पेक्शन कंप्लीट करा लिए गए हैं। डीजीसीए के इंस्पेक्शन कंप्लीट कराए गए हैं। एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सेफ्टी वाला होता है, तो उनका इंस्पेक्शन बचा हुआ है, वो कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एयर इंडिया को ऑपरेशनल भी आसान।